नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 145A। इसमें आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद मतलब है डायलॉग राइटिंग, जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक व्यक्ति बोलता है फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है, इसे कहते हैं हम संवाद। तो आज हम वही करेंगे। तो इसे करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, उसका सेक्शन ABCD डेट डालेंगे, दैट इज 30 दिसंबर 2021। आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और इत्यादि वर्कशीट स्टार्ट कर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। बच्चों, आपकी कार्यपत्रिका में बातचीत का बॉक्स अक्सर होता है, जिसमें आपको चित्र में दिए गए लोगों की बातचीत को अनुमान लगाकर लिखना होता है। दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत को ही संवाद कहते हैं, और जब हम किसी बातचीत को लिखकर दर्शाते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। कॉमन सी बात है कि एक अकेला इंसान तो अपने आप से बातें ही करेगा, तो उसे संवाद नहीं कहेंगे। जब दो या दो से अधिक लोगों से बातचीत होती है तो उसे संवाद कहते हैं, और जब उसे लिखते हैं हम, तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। आइए हम नीचे दिए गए संवादों को बोलकर पढ़ते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक का नाम है निखिल, दूसरी का नाम है आयशा। तो क्या बातें कर रहे हैं? आयशा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, कल मैं अपने स्कूल गई थी और वहां अपनी शिक्षिका और दोस्तों से भी मिली। निखिल बोलता है, मैं भी अपने स्कूल गया था, मुझे भी वहां बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद सब दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, वरना हम तो अपने अपने घर में ही कैद हो गए अपने अपने घर में ही कैद हो गए थे। लेकिन हमें अब भी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोरोना फिर से फैल जाएगा। तो ये दो बच्चे हैं जो कि स्कूल गए हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो इसे हम संवाद कहेंगे, क्योंकि ये दो बच्चों के बीच में है। एक बच्चे का नाम है निखिल और दूसरे का नाम है आयशा। अब आगे देखते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाकर इन बच्चों की बातचीत को लिखिए। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं लिखने की। जैसे ये पहला बच्चा है, ये बुला रहा है, सुनो। मान लीजिए इस लड़की का नाम है सोना। सुनो सोना, या सोनम है, सुनो सोनम। वो कहती है, हाँ बोलो बोलो कबीर। ठीक है, तो मान लीजिए ये बोल रहा है सुनो सोनम, वो कहती है हाँ बोलो कबीर। अब ये यहां पर क्या कहते हैं, ये बच्चा कहता है यह लो, यह किताब लो। यह किताब ले लो। तो दूसरा बच्चा कहता है ठीक है दे दो दे दो। इसी तरीके से अगर आपको कोई और सेंटेंस इसमें लगता है तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज मैंने इस तरीके से लिखा, सुनो सोनम, वो कहती है हाँ बोलो कबीर, यह किताब ले लो। दूसरा बच्चा बोलता है दूसरे वाक्य में, तो बच्चा कहता है ठीक है दे दो। ठीक है, अब आगे देखिए। आइए बच्चों, अब आप भी बन जाइए संवाद लेखक और नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से लोमड़ी और कौवे के संवाद को पूरा कीजिए। ये आपने कहानी पढ़ी होगी चालाक लोमड़ी की, जिसमें वो कौवे के मुंह से रोटी कैसे नीचे गिरवा देती है। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। लोमड़ी, कौवा भैया कैसे हो? कौवा, मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसी हो? कौवा बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। तो अब लोमड़ी क्या कहेगी? लोमड़ी कहेगी, कौवा भैया भैया आप कितना सुंदर गाते हो। तो कौवा खुश हो जाएगा, कौवा उससे कहेगा अच्छा मैं अच्छा गाता हूं, अच्छा गाता हूं। लोमड़ी फिर से उसकी झूठी तारीफ करेगी, लोमड़ी कहेगी गाओ भैया गाओ एक गाना गाओ।
अब जैसे ही कौवा गाना गाएगा तो कौवे की रोटी क्या होगी? कौवा गाना गाएगा गाएगा और रोटी क्या हो जाएगी? रोटी गिर जाएगी, रोटी गिर जाएगी। और जैसी रोटी गिर जाएगी वैसी लोमड़ी रोटी को लेकर क्या करती है? भाग जाती है। तो इस तरीके से इसका संवाद हो सकता है। लोमड़ी, कौवा भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कौवा, लोमड़ी कहेगी, कौवा भैया आप कितना अच्छा सुंदर गाते हो। जैसे ही कौवा अच्छा मैं अच्छा गाता हूँ खोलने के लिए मुंह खोलेगा, या वो मन में ही सोचेगा अच्छा मैं अच्छा गाता हूँ, तो लोमड़ी कहेगी एक गाना गाओ। जैसी वो गाना गाने के लिए मुंह खोलेगा उसकी रोटी नीचे गिर जाएगी, लोमड़ी से रोटी को लेकर भाग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से संवाद आप पूरे कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि आप बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करें, 1-to-1 कन्वर्सेशन, या सभी पेरेंट्स मम्मी पापा और घर में जितने भी लोग हैं वो इस तरीके के वार्तालाप को के लिए कोई एक्टिविटी करें, ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आए कि संवाद लेखन क्या होता है। तो उम्मीद है आपके लिए बख्शीट यूजफुल रहेगी। अगर यूजफुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।